अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग व्हेर एवर आई चोज हेन्सफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून आई माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून हेन्सफोर्थ आई व्हिम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्वेरुलस क्रिटिसिजम्स स्ट्रांग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड द अर्थ दैट इज सफिशियंट आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर I know they suffice for those who belong to them. Still I here carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. तो सुना आपने डिड यू लिसन टू दिस केयरफुली तो पढ़ते समय मैंने आराम से पढ़ा एक एक शब्द का उच्चार एकदम क्लियर किया ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे तो इसी प्रकार मैंने जैसे पढ़ा तो ऐसे एक दो बार आप भी पढ़िए इस पोएम को ठीक है आपके पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो मिस्टेक्स थी पढ़ने में जो गलतियाँ हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई तो ऐसे एक दो बार प्रयत्न करने के बाद में गलतियाँ हम कम कर सकते हैं सबसे पहला अपना काम है कि हमें रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए अगर रीडिंग अच्छे से नहीं आएंगी तो हमको समझ में नहीं आएगा पेपर में जब भी कोई पोएम आएंगी जब भी कोई पैसेज आएगा तो हमको पहली बात क्या करनी है उसको पढ़ना है समझ लेना है उसको ये फर्स्ट थिंग है उसके बाद ही हम उसके आंसर्स लिख सकेंगे ओके नाउ लुक इनटू द फर्स्ट स्टैंजा अब हम इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है वो फिर से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे सो फर्स्ट स्टैंजा अगेन अ फूट And light-hearted, I take to the open road. Afoot means on foot. मैं निकला हूँ सफ़र पे. कभी क्या कहते हैं कि मैं सफ़र पे निकला हूँ लेकिन कैसा निकला हूँ Afoot, on my own foot. मैं पैदल ही निकला हूँ कोई मेरे पास व्हीकल नहीं है कोई बाइक नहीं है कोई कार नहीं है साइकिल भी नहीं है मैं अपने पैरों पर ही यानी पैदल ही मेरे सफर पर मैं निकला हूँ अफूट का अर्थ है ऑन फूट एंड लाइट हार्टेड मैं कैसा हूँ लाइट हार्टेड हूँ देर इज़ नो बर्डन ऑन मी मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है आई एम वेरी हैप्पी विथ मी मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से मैं निकला हूँ मेरे सफर पर आई हैव नो व्हीकल I started my journey on my own foot. मेरा जो जर्नी है मेरा जो सफ़र है ये मैंने मेरे खुद के पैरों पर शुरू किया है व्हीकल पर नहीं जा रहा हूँ मैं एंड आई टेक टू द ओपन रोड एंड देर इज़ द ओपन रोड बिफोर मी और मेरे सामने अभी क्या है पूरा खुला मैदान है मेरा रोड पूरा खुला है कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ आई एम फ्री टू गो एनी वेयर जहाँ मेरी इच्छा है जिस दिशा में मेरे जाने की इच्छा है उस दिशा में मैं अभी जा सकता हूँ इसलिए कवि कहते हैं कि ओपन रोड देर इज़ ओपन रोड बिफोर मी सो आई एम फ्री टू गो एनीवेयर सो देन हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी द वर्ल्ड बिफोर मी इज़ फ्री आई एम हेल्दी मैं भी फ्री हूँ मैं भी हेल्दी हूँ देर इज़ नो वीकनेस इन मी आई एम वेरी हेल्दी आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन
एंड द वर्ल्ड बिफोर मी इज़ ओपन एंड फ्री, मेरे सामने जो दुनिया है वो दुनिया भी पूरी खुली है, मेरे सामने जो रोड है रास्ता है वो भी पूरा खुला है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, आई एम फ्री टू गो एनी वेयर, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, हाउ इज़ द रोड, हाउ इज़ द पाथ, पाथ मीन्स रोड, तो रोड का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि रोड कैसा है, इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड ब्राउन पाथ, मिट्टी का जो रोड है वो ब्राउन ही रहता है कलर में, मिट्टी का कलर ब्राउन होता है, मेरे सामने जो रोड है वो ब्राउन कलर का है और बड़ा लंबा है, इट इज़ ए लॉन्ग रोड एंड इट्स कलर इज़ ब्राउन एंड इट कैन लीड मी, दैट रोड इज़ लीडिंग मी वेर एवर आई चूज, मुझे जहाँ भी जाना है वहाँ तक ये रोड मुझे लेके जा सकता है, समझ में आ गए? तो हाउ इज द रोड बिफोर द पॉइंट, हाउ इज द रोड, रोड कैसा है, ब्राउन कलर, लॉन्ग, लॉन्ग एंड ब्राउन, द रोड इज लॉन्ग एंड ब्राउन एंड व्हाट कैन द रोड डू, रोड क्या कर सकता है, दिस रोड कैन लीड This road can lead the poet wherever he choose. जहाँ भी उसे जाना है उसे वहाँ तक ये रोड लेके जा सकता है. Okay? So is there any vehicle with the poet? The poet started his journey. Walt Whitman started his journey. Is there any vehicle? उसके पास कोई व्हीकल है क्या? इज देयर एनी बाइक और कार विथ हिम? नो, उसके पास कोई कार नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, वो कैसा निकला है सफर पर? पैदल, पैदल निकला है. वो बोल रहा है कि मैं मेरे पैरों पर निकला हूँ, मैं पैदल ही निकला हूँ, और मेरे सामने जो रोड है वो रोड कैसा है, हाउ इज द रोड बिफोर हिम, लॉन्ग एंड ब्राउन एंड इट इज ओपन, बहुत लंबा है, ब्राउन कलर का है और ओपन है, कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ. ओके, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गए? अभी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए. हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, हैंसफोर्थ है ना, इसके आगे, अब से मैं क्या करूँगा, आस्क नॉट गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून मीन्स गुड लक. कवि कहता है कि अब से, इसके बाद, इसके आगे मैं किसी से गुड लक नहीं मांगूँगा, मैं अपेक्षा नहीं रखूँगा किसी से कि कोई मुझे गुड लक विश करे, मेरे सफ़र के लिए कोई मुझे बेस्ट विशेष दे, कोई मुझे गुड लक दे, ऐसी मैं इसके आगे कभी अपेक्षा ही नहीं रखूँगा. और क्या करूँगा, आई आस्क नॉट फॉर गुड फॉर्चून, क्यों नहीं अपेक्षा रखूँगा, क्योंकि आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, क्योंकि मैं खुद ही मेरे लिए गुड लक हूँ, गुड फॉर्चून मीन्स गुड लक, मैं खुद ही गुड लक हूँ. तो ये लाइन क्या दर्शाती है कि कवि को खुद पर बड़ा भरोसा है, ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, कवि बहुत कॉन्फिडेंट है, दूसरों से उसको कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरों से गुड लक की भी अपेक्षा नहीं है, कोई उसे गुड लक विश करे, बेस्ट विशेष दे, ऐसी भी कवि को कोई अपेक्षा नहीं है दूसरों से, क्योंकि उसको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर ही बड़ा भरोसा है उसको, इसलिए वो कहता है कि आई एम माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मेरे लिए मैं खुद ही क्या हूँ, गुड लक हूँ, दूसरों से गुड लक की विशेष लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है.
ओके, समझ में आ गए? देन हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर। हेंसफोर्थ का मतलब क्या है कि अब से, इसके आगे मैं क्या करूँगा? कवि कहता है कि हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर। विम्पर का मीनिंग मार्जिन में दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विम्पर? जल्दी से बताइए, मार्जिन में देखकर बताइए विम्पर का मीनिंग। हाँ ओके, तो विम्पर मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक एंड सैड क्राइज एसेंशियली विथ फियर एंड पेन। तो विम्पर का मीनिंग है डर से या पेन से, दुख से मैं अभी रोऊंगा नहीं। इसके आगे कवि कहता है कि मुझे अगर दुख होगा तो मैं डरूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। आई विल नॉट क्राई, आई विल नॉट बी सैड एंड पोस्टपोन नो मोर। कोई भी चीज को मैं आगे नहीं ढकेलूंगा, पोस्टपोन नहीं करूंगा किसी चीज को। आज की बात, आज की चीज आज ही करूंगा। आज करने के, अब करने के जो काम है वो अभी करूंगा। आज के काम मैं कल पर नहीं डालूंगा, पोस्टपोन नहीं करूंगा। और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आई नीड नथिंग। मैं सफर पे तो निकला हूँ लेकिन मुझे किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है। आई नीड नथिंग। तो सफर पे जाने से पहले कवि ने क्या क्या डिसाइड किया? इधर अभी सफर पे निकला है, अपने जर्नी पे निकला है कवि, और निकलते निकलते ही उसने कुछ बातें डिसाइड किए, कुछ बातें निश्चित की है। उसमें वो कहता है कि मुझे किसी के गुड लक की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मेरा गुड लक हूँ। और आगे कवि कहता है कि मैं अभी किसी बात के लिए रोऊंगा नहीं, दुख नहीं करूँगा, किसी चीज़ को आगे नहीं ढकेलूँगा। आज का काम आज ही करूँगा, आज का काम मैं कल पर कभी नहीं डालूँगा। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं कैसा हूँ, बहुत आत्मविश्वास मुझ में है। यहाँ तक ध्यान में आ गया? समझ में आ गया? हाँ क्या बोला प्रिया, समझा? हाँ तो देखिए, मुझे बताइए फिर कवि ने क्या क्या डिसाइड किया, क्या क्या निश्चय किए अपने सफर के पहले? क्या क्या नहीं करूँगा मैं, ऐसा कहता है। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला ना कवि ने। तो क्या क्या बोला बताइए। जल्दी से बोलो। हाँ हाँ चलो बोलो। I also not good fortune. I myself am good fortune. ये इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या है? तो इसका मीनिंग मैंने बताया ना, क्या मीनिंग है इसका? The poet decided for no more postpone, no more need nothing. हाँ, means he will whimper no more. वो अभी रोने वाला नहीं है। ही विल नॉट क्राई, ही विल नॉट बी सैड, ही विल नॉट कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग, किसी चीज की यस अभी आ रहा। ओके तो
He will not complain about anything. He will not be sad. He will not cry about anything. कभी कहता है कि मैं किसी बात के लिए रोऊंगा नहीं, दुख नहीं करूंगा, किसी बात की कंप्लेंट नहीं करूंगा, किसी चीज़ को कल पे नहीं डालूंगा, आज की जो बात है आज ही करूंगा, कल पे नहीं डालूंगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के गुड लक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही मेरे लिए गुड लक हूँ। समझ में आ गया? इसके आगे देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिजम्स। डन विथ मीन्स इनफ, इट इज इनफ फॉर मी। इंडोर कंप्लेंट्स, मैं घर पे बैठे बैठे ही बहुत सारी कंप्लेंट किया करता हूँ, बाहर नहीं निकलता, रोड पे नहीं आता, और सफ़र पे निकलने से पहले ही मेरे मन में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, तो अभी ऐसी कंप्लेंट मैं कभी करूँगा नहीं। ऐसी जो कंप्लेंट्स है बैठे बैठे की हुई कंप्लेंट, वैसी कंप्लेंट मैं अभी कभी नहीं करूँगा। लाइब्रेरीज एंड क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, क्वेरुलस का अर्थ दिया है, मीनिंग दिया है इधर कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज इरिटेटेड। किसी ने अगर मेरे पर क्रिटिसाइज किया, मेरी निंदा की, किसी ने मुझे भला बुरा कहा, तो उस क्रिटिसिज्म पर मैं कभी चिढ़ूंगा नहीं। क्वेरुलस यानी चिढ़ना, अगर किसी ने मुझे बुरा कहा, मेरी निंदा की, तो उसके बाद पर मैं कभी इसके आगे चिढ़ूंगा नहीं। आई विल नॉट बी इरिटेटेड, आई विल बियर दैट क्रिटिसिज्म, मैं वो क्रिटिसिज्म सहन कर लूँगा और मेरे काम में ही लगा रहूँगा। मेरा जो काम है, आज का काम आज ही करूँगा, आज का काम मैं कल पर कभी नहीं डालूँगा। और इंडोर कंप्लेंट, बैठे बैठे कंप्लेंट कभी नहीं करूँगा। ओके, तो ऐसी जो बातें हैं, ये बातें कवि सफ़र के पहले ही डिसाइड करता है। ये सफ़र, कवि का जो सफ़र है ये साधारण सफ़र नहीं, ये उसके जीवन का सफ़र है। जीवन के सफ़र में निकलने से पहले कवि ने ये सारी बातें ठान ली है, डिसाइड की है कि मैं अभी जीवन के सफ़र पे निकला हूँ, मेरे जीवन के सफ़र में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी बातें कवि हमको यहाँ पे बता रहे हैं। मैं भी जीवन के सफ़र पर, जीवन की राह पर निकला हूँ, तो जीवन की राह पर निकलते समय मुझे क्या क्या करना है, कवि ने आपको यहाँ पे बता दिया है कि बहुत से लोग तुमको भला बुरा कह सकते हैं, तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, कि तुमको बुरा कह सकते हैं, इसके ऊपर आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक को उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्ट्रांग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशियंट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी कंटेंट, मीन्स हैप्पी, सेटिस्फाइड। कवि कहता है कि मैं कैसा हूँ, द पोइट इज़ वेरी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कवि स्ट्रांग है, एंड ही इज सेटिस्फाइड ऑल्सो, और वो सेटिस्फाइड भी है, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, समाधानी है, समाधानी भी है। और ऐसी स्थिति में हूँ, वो अभी खुले रोड पे ट्रैवल करने वाला है, खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में, खुले रोड पे उसको अभी सफ़र करना है, सफ़र के लिए वो निकला है। और वो कहता है कि द अर्थ दैट इज सफिशियंट, ये धरती मेरे लिए, मेरे आगे जो धरती पड़ी है वो मेरे लिए सफिशियंट है, किसी बात की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मेरे आगे ये जो खुला रोड है, खुली ज़मीन है, यही मेरे लिए काफ़ी है। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी का गुड लक नहीं चाहिए, किसी का वेस्ट विशेष नहीं चाहिए,
किसी के पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो यह धरती मेरे सामने जो पड़ी है वही मेरे लिए काफ़ी है, दैट इज सफिशियंट। समझ में आ गया इधर यहाँ तक? सो हाउ इज़ द पोएट, हाउ इज़ द पोएट, कवि कैसा है, खुद को कैसा समझता है कवि? स्ट्रांग, स्ट्रांग एंड कंटेंट, कंटेंट मीन सेटिस्फाइड। कबीर खुद को स्ट्रांग समझता है, स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ और कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 95 के ऊपर, पेज नंबर 95। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर। कॉन्स्टिलेशंस यानी ग्रह तारे, आकाश में जो होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है फेट, डेस्टिनी, नसीब और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। कवि यहाँ कहते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी मोर, मुझे कोई ग्रह तारों की ज़रूरत नहीं, कोई अच्छे गुड लक की ज़रूरत नहीं, मैं मेरे नसीब के भरोसे नहीं हूँ, मेरे दैव के भरोसे मैं नहीं हूँ, मैं अपने हार्डवर्क पे भरोसा करता हूँ। आई बिलीव इन माई हार्डवर्क, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। और जहाँ वो है, जहाँ कॉन्स्टिलेशंस है, जहाँ जिनके पास गुड लक है, जिनके पास अच्छा नसीब है, उनके पास वह है। लेकिन अगर मेरे पास अच्छा नसीब नहीं है तो मैं नसीब पे भरोसा करने वाला नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन फेट, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। जिनके पास अच्छे नसीब है, जिनके पास अच्छे फेट है, वो उनके लिए अच्छे है। आई स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन्स। कवि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसमें कहते हैं कि आई कैरी माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन्स, मेरे ऊपर भी कुछ बर्डन्स यानी जिम्मेदारियाँ है, बर्डन्स यानी जिम्मेदारियाँ, बोझ। पहले आपको लगता होगा कि कवि अकेला ही निकला है, खुले रोड पे निकला है, कवि बहुत ही स्ट्रांग है ऐसा उसने कहा, कोई बहुत ही सेटिस्फाइड है ऐसा भी उसने कहा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में कवि कहते हैं कि आप समझेंगे कि मैं तो बहुत ही अकेला हूँ, मुझे कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा मत समझो, तो मुझे भी जिम्मेदारियाँ है, आई कैरी विद देम, और वो जिम्मेदारियाँ मैं मेरे साथ लेके निकला हूँ। आई कैरी माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन्स, और बर्डन्स को, जिम्मेदारियों को क्या कहता है कवि, दे आर डेलीशियस। वो डेलीशियस का मतलब क्या है, स्वादिष्ट, यहाँ पे उसका मीनिंग है इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। मेरी जिम्मेदारियाँ है, वो जिम्मेदारियाँ भी मुझे मज़ेदार लगती है, जिम्मेदारियों के तले में दबा नहीं हूँ, वो जिम्मेदारियाँ सारी मैं निभाने वाला हूँ, वो मेरे लिए डेलीशियस है, वो मेरे लिए मज़ेदार जिम्मेदारियाँ है, स्वीट मेमोरीज है मेरे लिए, इसलिए मैं उनको लेके मेरे साथ चलता हूँ। आई कैरी देम, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेर एवर आई गो। मैं मेरे जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं भाग रहा हूँ, मैं अकेला आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे साथ मेरी जिम्मेदारियाँ भी मेरे साथ लेके चला हूँ। इसलिए वो कहता है कि जहाँ भी मैं जाऊँगा, वेर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ मेरे साथ मेरी जिम्मेदारियाँ रहेंगी, मैं जिम्मेदारियाँ सारी निभाऊँगा। ओके, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। आई स्वेयर यानी कभी कहता है कि कसम से, कसम लेके कहता है कभी, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम।
मुझे पता है, इसलिए मैं कसम से आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, इनसे छुटकारा पाना मेरे लिए असंभव है, नामुमकिन है। जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना मेरे लिए कैसा है? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। मैं जिम्मेदारियों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। सो आई एम फील्ड विद देम, मैं जिम्मेदारियों से घिरा हूँ सभी तरफ से। आई एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। मैं जिम्मेदारियों से सभी तरफ से घिरा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा? आई विल फील देम, मीन्स आई विल सॉल्व देम। सभी जिम्मेदारियों को मैं सॉल्व करूँगा, उनको उनके ऊपर मैं ओवरकम करूँगा, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊँगा। आई विल फील देम इन रिटर्न। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो कभी कसम खा के आपको कौन सी बात बता रहा है यहाँ पर? स्वेयर का मतलब है कसम से। कसम से क्या बता रहे हैं कभी? बताइए जल्दी से। जल्दी से क्या बता रहे हैं कभी? रीड दैट लाइन। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑफ देम। आई एम विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल का मतलब तो जानते हो आप। क्या इम्पॉसिबल है उसके लिए? गेट रिड ऑफ देम मीन्स छुटकारा पाना। कैसे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल है? यस, जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। यह बात कवि हमें कसम से बताता है, कसम खाकर बताता है। ओके, तो टेल मी, व्हाट डज द पोएट कैरी विद हिम? उसके साथ कवि क्या लेके चलता है सफर में? व्हाट डज ही कैरी विद हिम? क्या लेके चल रहा है कवि? नहीं, मैन एंड वुमेन को बता रहे हो कि भाइयों और बहनों देखिए, मैं मेरे साथ लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ बताइए? क्या लेके चल रहा है कभी साथ में उसके? आई कैरी, ब्रैकेट में जो लाइन है वो पढ़ो। स्टील हेयर आई कैरी माय फोन। ओके, तो इसका मतलब है आई कैरी माई ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स। दैट मीन्स ही इज कैरिंग हीज बर्डन्स। और हाउ आर बर्डन्स? हीज बर्डन्स आर डेलिशियस फॉर हिम। बर्डन्स का मतलब मैंने आपको बताया है, बर्डन्स का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ। तो वो बता रहा है कि मैं, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे जो बर्डन्स है, जो मेरे लिए कैसे है, मज़ेदार है, डेलीशियस है, वो मैं मेरे साथ में लेके चल रहा हूँ। तो इस पोएम में कवि जो हमें बता रहा है वो केवल उसके सफ़र की बात नहीं है, वो हमारे भी सफ़र की बात है। केवल साधारण सफ़र की बात नहीं कर रहा कवि, कभी तो जीवन के सफ़र की बात कर रहा है, कभी अपने जीवन की राह पर चलने की बात कर रहा है। हर एक को, आपको भी अभी अपना एजुकेशन होने के बाद में आपको सफ़र पे निकलना है, आपको भी अपने जीवन की राह पर चलना है। तो
तो चलने के पहले कवि ने जो जो बातें डिसाइड की वो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। कवि कहता है कि मैं खुद स्ट्रांग हूँ, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से कोई गुडलक की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी क्या नहीं करूँगा, कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, और क्या नहीं करूँगा, मैं रोऊंगा नहीं किसी बात पर, किसी चीज़ पर चिढ़ूंगा नहीं, किसी ने मुझे भला बुरा कहा तो भी मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करूँगा, वो सारी निंदा मैं सहन कर लूँगा और मैं मेरे काम में ही रहूँगा, मेरा जो आज का काम है आज ही करूँगा, आज का काम कल पे नहीं डालूँगा, मुझे कोई ग्रह तारों की ज़रूरत नहीं, नसीब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा नसीब मैं खुद बना लूँगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन फेट, मैं खुद ही शिल्पकार हूँ मेरे नसीब का, मेरे फेट का, इसलिए ग्रह तारों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, किसी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वजनदार व्यक्तियों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा कवि कहता है। तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आदमी हमारे जीवन में, जीवन की राह पर निकलने से पहले खुद सामने सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वी शुड बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, वी शुड बी वेरी हैप्पी, वी शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड वी शुड एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीवन। कोई मुझे आएगा और मदद करेगा, कोई मुझे आके ये देगा, कोई मुझे आके वो देगा, फिर मैं निकलूँगा, तो अगर ऐसी बातें कवि को नहीं चाहिए, ठीक है। तो जीवन की राह पर निकलने से पहले कवि ये सब डिसाइड करता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है, वेरी इंस्पायरिंग पोएम है आपके लिए, केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से ही नहीं तो पूरे हमारे जीवन की दृष्टि से भी ये जो पोएम है वो बहुत इंस्पायरिंग है। इस कविता से, इस पोएम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी से कुछ हमने अपेक्षा रखी और उसने वो बात नहीं की तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने हमको गुड विश नहीं दी, गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए इस पर उपाय क्या है कि उससे कुछ अपेक्षा ही मत रखो। अगर अपेक्षा ही मत रखेंगे, अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो पोएम है ये कंप्लीट किया है, हर स्टंजा का मीनिंग देखा है, हिंदी में देखा है, इंग्लिश में उसका सिनोनिम भी देखा है। अभी इस पोएम में आपको इस बोर्ड में इसकी एप्रिसिएशन भी आता है। एप्रिसिएशन में कविता के बारे में आपको बताना होता है कि द टाइटल ऑफ द पोएम, द पोएट ऑफ द पोएम, आपको पता है कि इस पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इस पोएम के पोएट भी आपको पता है, पोएट कौन है, वॉल्ट व्हिटमन। और आपको बताना है इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आई हुई है वो भी बताना पड़ता है। तो देखो फर्स्ट लाइन, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, ये जो लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि सीधी सीधी लाइन लिखी नहीं है, इन्वर्ट करके, उल्टी करके लिखी है। सीधी सीधे कैसे हो सकती है, आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड, ऐसे सीधा सीधा हो जाता था, लेकिन लेखक ने उसको, कवि ने इसको उल्टा करके थोड़ा सा लिखा है पोएटिक इफेक्ट के लिए। तो फर्स्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच, भाषा का जो अलंकार है वो कौन सा है, इन्वर्जन। लिखे रखो वहाँ पर इन्वर्जन, आई एन वी ई आर एस आई ओ एन, पहले लाइन में क्या है, इन्वर्जन। आपको एप्रिसिएशन में लिखना पड़ता है, दो मार्क के लिए पूछा जाता है एप्रिसिएशन, कौन सा एप्रिसिएशन है, इन्वर्जन। यहाँ पे एक मार्क आपको मिलता है और इन्वर्जन क्यों है ये बताने के लिए एक मार्क लिखना पड़ता है। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस लाइन इज़ रिटन इन द इन्वर्टेड फॉर्म,
this right line is not written in a proper form of sentence. आ गया, तो यह है एक, उसमें इस पोएम में एक और एक लाइन है, हैंस फोर्थ आस नॉट गुड फॉर्चून आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, ये लाइन देखिए आपको. Yes, तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन, आर ई पी ई टी आई टी आई ओ एन, रिपीटिशन यहाँ पर है क्योंकि कौन सा शब्द रिपीट हुआ है, गुड फॉर्चून इज रिपीटेड, गुड फॉर्चून यह शब्द रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन है. रिपीटिशन अगर आपने लिखा तो उसको एक मार्क मिलेगा, उसका रीज़न लिखा तो एक मार्क मिलेगा. रीज़न क्या बताएंगे कि द वर्ड गुड फॉर्चून इज रिपीटेड इन दिस लाइन, सो देर इज रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन हियर. ओके, और एक बात फिगर ऑफ स्पीच इधर है, थर्ड लाइन में भी है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, ये जो लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन कब होती है, जब कोई निर्जीव वस्तु सजीव होने का कभी दावा करते हैं तब क्या करते हैं, क्या पर्सनिफिकेशन होता है. यहाँ इस लाइन में कवि कहता है कि ये जो रोड है मुझे लेके चलेगा, दैट रोड विल लीड मी वेर एवर आई चूज, जहाँ भी मैं चाहूँगा वहाँ तक ये रोड मुझे लेके चलेगा. रोड लेके चल सकता है क्या, नहीं, रोड तो निर्जीव है, इनएनिमेट है, तो निर्जीव को सजीव के जैसा ट्रीट किया जाता है, उस समय पर्सनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है. तो ये जो सारी फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताई वो लिख लो, वहाँ पर उनके नाम लिख लो और उनके कारण भी लिख लो. ये सब बातें आपको कहाँ पूछी जाती है, पर्सन एप्रिसिएशन इसमें पूछी जाती है, पोएम के एप्रिसिएशन में. ओके, ठीक है.